ट्रांसफार्मर में आग लगने से 3 कार 2 मोटरसाइकिल के साथ ही ट्रांसफार्मर के पास बने 3 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक। पालघर जिले के वसई पश्चिम के अंबाबाड़ी रोड क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लगने से 3 कार 2 मोटरसाइकिल के साथ ही ट्रांसफार्मर के पीछे फुटपाथ पर स्थित 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। घटना को देखते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर उपस्थित लोगों के साथ ही स्थानीय उक्त मार्ग से होने वाले यातायात व्यवस्था को रोक दिया गया। वहीं स्टेशन से अंबाबाड़ी रोड के बीच स्थित एक ट्रांसफार्मर में बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते उक्त ट्रांसफार्मर के नीचे पार्क किए गए 3 कार 2 मोटरसाइकिल के साथ ही ट्रांसफार्मर के पीछे फुटपाथ पर स्थित 3 दुकानों को अपने आगोश में ले लिया, जो देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। उक्त घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। वहीं सूचना पर पहुंची फायर टीम ने तत्काल उस इलाके की बिजली बंद करवाने के साथ ही आग को बुझाने का कार्य आरंभ किया। फायर कर्मी घंटों मशक्कत के बाद किसी प्रकार आग पर काबू पाए। इस आग लगी घटना में कार, बाइक सहित दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गया, जबकि उक्त मामले में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। पेश है वसई की यह खास रिपोर्ट। भाई भी पूरा जल गया।